हेलो चिल्ड्रन, टुडे यू आर हैविंग योर क्वेश्चन। आपका क्वेश्चन है बच्चों, ड्रॉ अ लेवल डायग्राम ऑफ एन इलेक्ट्रिक मोटर, एक्सप्लेन इट्स प्रिंसिपल वॉकिंग इम्प्रूवमेंट एंड ऑल्सो स्टेट द फंक्शन ऑफ स्प्लिट रिंग्स। आई हैव कम्बाइंड ऑल द क्वेश्चन जो कि वन वन मार्कर में आ सकते हैं, प्लस इफ दे आर कमिंग फॉर 5 मार्कर देन आपके लिए बस इतना ही काफ़ी है कि आपको इलेक्ट्रिक मोटर की को एक्सप्लेन करना है। दिस इज़ फॉर 5 मार्क क्वेश्चन, राइट? तो अब आप इसे स्टेप बाई देखिए हम कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले आप बताइए इलेक्ट्रिक मोटर क्या है, जबकि नहीं पूछा गया फिर भी आप बताइए क्योंकि 5 मार्क का क्वेश्चन है, एक्सप्लेनेशन इज नीडेड। सो इलेक्ट्रिक मोटर क्या है? इट्स एन डिवाइस विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिक एनर्जी, क्योंकि इलेक्ट्रिक मोटर है तो इलेक्ट्रिक एनर्जी, टू मैकेनिकल एनर्जी। फाइन, इसके बाद आप बताइए कि इसका प्रिंसिपल क्या है। इलेक्ट्रिक मोटर के डेफिनेशन के तुरंत बाद ही आप बताइए कि इसका प्रिंसिपल क्या है। तो इसका प्रिंसिपल लिखते हैं, प्रिंसिपल है बच्चों इसका। चलिए बच्चों प्रिंसिपल के बारे में बात करते हैं। तो प्रिंसिपल क्या है? द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय एन करंट कैरिंग कंडक्टर हुज डायरेक्शन डिटरमाइंड बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, राइट? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के द्वारा जिसके हम डायरेक्शन डिटरमाइन करते हैं। और ये करता क्या है, ये फोर्स करता क्या है? इट ब्रिंग्स रोटेशन। दिस फोर्स ब्रिंग्स रोटेशन एज एन आउटपुट। आपको इतना सारा याद करने की ज़रूरत नहीं है। व्हाट आई वांट इज आप इसमें लिखें कि इसमें जो फोर्स है उसका जो करंट कैरिंग फोर्स जो है जनरेट कर रहा है कंडक्टर, जिसकी वजह से रोटेशन हो रही है, प्लस उसमें हम फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल से वजह से उसके हम डायरेक्शन डिटरमाइन कर पा रहे हैं। दिस मच इज मोर देन इनफ। आफ्टर दिस हम लिखेंगे कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन से पहले मैं चाहूँगी कि आप लोग डायग्राम देखें, डायग्राम बनाना सीखें। डायग्राम से कंस्ट्रक्शन काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो जाएगी, उससे आपको बिल्कुल भी लर्न नहीं करना पड़ेगा। देखिए बच्चों, सबसे पहले हमें एक रेक्टेंगुलर कॉइल बनानी है। एक रेक्टेंगुलर कॉइल रेक्टेंगुलर शेप की ही नज़र आनी चाहिए। तो ये आपकी बच्चों एक रेक्टेंगुलर कॉइल है, और यहाँ पे हम सबसे पहले अपना एक्सेल बना लेते हैं। एक्सेल बनाने के बाद हम यहाँ पे कुछ इस तरीके से अपनी स्प्लिट रिंग बनाएंगे। स्प्लिट रिंग में यहाँ पे आपको कट दिखाना बेहद ज़रूरी है, ठीक है? तो इसको आप कनेक्ट कर दीजिए यहाँ पे ब्रशेस से, ठीक है? इन ब्रशेस के बच्चे आप नाम दे दीजिए PQ, ठीक है? स्प्लिट रिंग का आप नाम दे दीजिए SQ, ये PQ हो गया, तो इसका नाम दे दीजिए ST, ये स्प्लिट रिंग है, ये स्प्लिट रिंग है ST, ठीक है? ये क्या है? स्प्लिट रिंग्स। एक कॉइल रख दी है। अब इसके साइड में आप मैग्नेट्स रखिए, आपकी जो भी मैग्नेट है उसको रख दीजिए। आप जैसे भी जो है सिंपल तरीके से बनाना चाहें, ऐसे भी बना के छोड़ सकते हैं, ठीक है? अगर आपके पास टाइम है थोड़ा सा तो आप मॉडिफाई कर सकते हैं। तो वैसे मैग्नेट मैग्नेट की तरह ही दिखनी चाहिए, ज़्यादा मॉडिफिकेशन हमें करने की ज़रूरत नहीं है। आप इस तरीके से नॉर्थ साउथ पोल बना दीजिए। आपने इतना करने के बाद आप थोड़ा आगे बढ़िए, इसको कनेक्ट कीजिए, इसको इस तरीके से आइए यहाँ पे कनेक्ट कीजिए। मैं अपनी बैटरी लगाइए यहाँ पे, यहाँ पे आप इसका की पॉइंट लगा दीजिए इस तरीके से, पोल्स टर्मिनल्स दिखा दीजिए। और यहाँ पे बताइए ये क्या है, ये आपकी क्या है? मैग्नेट है,
ये आपकी मैग्नेट है, ये स्प्लिटिंग्स है, और ये आपकी ब्रशेस हैं, ब्रशेस हैं, और ये जो बीच में लगा हुआ है ये क्या है, ये एक्सेल है, बैटरी, हर एक चीज़ का काम है। और ये है आपकी रेक्टेंगुलर ABCD कॉइल जो कि बनी हुई है कॉपर वायर की। चलिए अब देखिए कंस्ट्रक्शन लिखना कितना आसान हो जाएगा, क्योंकि जो आपने देखा, जो आपने बनाया, आपको वही कंस्ट्रक्शन में लिखना है। कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है क्या क्या मटेरियल आपने इसमें इस्तेमाल किया हुआ है। सो देयर इज अ कॉइल ABCD रेक्टेंगुलर, कॉपर वायर या कॉपर मेटेड कॉइल, बार मैग्नेट या सिंपल मैग्नेट, एंड देन स्प्लिट रिंग्स, स्प्लिट रिंग्स ST, एंड ब्रशेस जो कि स्टेशनरी है PQ, एंड एक्सेल जो कि रोटेशन का काम करेगा, आपने इस्तेमाल किया है बैटरी एक्सेट्रा। ये मेन चीज़ें थी जो आपने इस्तेमाल करी है। अब फाइनली हम इसकी वर्किंग पे प्रोसीड कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है आप ब्लैक पेन से लिखें, आप जो भी ब्लू से भी लिखें उसे अंडरलाइन कर दीजिएगा, इतना काफ़ी है आपका आंसर सुंदर और अट्रैक्टिव दिखने के लिए। वर्किंग हमें स्टार्ट करेंगे करंट से, ठीक है। एज द करंट फ्लोज थ्रू द सर्किट, AB end goes downward। तो यहाँ पे हम जो है डायरेक्शन पहले दिखा देते हैं कि करंट इस तरीके से जाएगा, देखेंगे करंट इस तरीके से जाएगा, यहाँ पे इस तरफ है तो यहाँ पे इस तरफ, और इस तरीके से आपकी जो रोटेशन हो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी, ठीक है। तो AB एंड गोस डाउनवर्ड एंड CD एंड गोस अपवर्ड ऑन अप्लाइंग, ऑन अप्लाइंग, ऑन अप्लाइंग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, वी डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। यहाँ पे कई सारी बातें हैपन होती हैं, उन्हें हमें बड़े ध्यान से लिखना है। नेक्स्ट आप बात ये बताएंगे, यहाँ पे पॉइंट वाइज कर दीजिए, जैसे फर्स्ट पॉइंट कर दीजिए, सेकंड पॉइंट बता दीजिए यहाँ पे कि एट हाफ ऑफ द रोटेशन एट, और ये जो भी हुआ है, जो रोटेशन हुआ है AB एंड ऊपर अप एंड डाउन, ये एंटी क्लॉक वाइज हुआ है, एंटी क्लॉक वाइज। एट हाफ रोटेशन द पोजिशन ऑफ स्प्लिट रिंग्स एंड ब्रशेस गेट रिवर्स्ड, और सिंपली द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड फोर्स गेट्स रिवर्स्ड। अब यहाँ पे एक खास बात आप देखने के लिए मिलेगी आपको, ये रिवर्स तो हुआ है करंट ऑफ फोर्स की डायरेक्शन, पर किस वजह से ये हुआ है, स्प्लिट रिंग की वजह से। It is due to the split rings. Split rings. Split rings यहाँ पे क्या कर रही है? They reverse the direction of current. Apart from this, ये function है इसका, पूछा जाएगा आपसे one marker में या फिर इसमें आपको बताना चाहिए। Split rings की वजह से हुआ है because split ring
work as an commutator. Commutator, commutator की तरह काम करेंगे. अभी जो आपकी डायरेक्शन थी करंट की, वो ए से बी, बी से सी, सी से डी थी, ठीक है. अब हो जाएगी डी से बी. ओके, नाउ करंट फ्लो फ्रॉम डी सी बी ए एंड रेस्ट विल फॉलो अपोजिट टू इनिशियल रोटेशन. आप देखिए मैंने यहाँ पे बड़ी स्मार्टनेस से क्या काम करा है. मैंने यहाँ पे ना तो रिंग्स के नाम लिखे हैं कि कौन से किसकी पोजीशन रिवर्स हो जाएगी, मैंने ना ही यहाँ पे ये बताया है कि अब करंट की वजह से ये भी रिवर्स हो जाएगा. अब जो है ए बी एंड पहले डाउनवर्ड जा रहा था, अब ए बी एंड अपवर्ड आएगा, ठीक है. आप चाहें तो उसे लिख सकते हैं, पर जब मैंने इस बार वाइस वर्सा लिख दिया है तो ये इतना काफ़ी है. अब इसके बाद में बात कर लेते हैं, मैंने यहाँ पे स्प्लिट रिंग्स का काम भी बता दिया कि वो डायरेक्शन ऑफ करंट क्या कर देती है, रिवर्स कर देती हैं. अब मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी इसका एंडिंग जो है कि इसे कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है. इम्प्रूवमेंट फॉर कमर्शियल पर्पस. कमर्शियल पर्पस के लिए देखिए हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं. जैसा कि काफ़ी सारे बच्चों ने बिल्कुल सही लिखा है, इसे तो हम यहाँ पे इंक्रीजिंग नंबर ऑफ टर्न्स पढ़ा सकते हैं. प्लस अगर हम यहाँ पे क्या कर दें, यहाँ पे हम इलेक्ट्रोमैग्नेट का इस्तेमाल करें. इलेक्ट्रोमैग्नेट, जैसा कि आपने देखा कि हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करी है, ठीक है, और मैग्नेट हमने पहले से रखा हुआ था, तो क्यों ना हम कॉम्बिनेशन रख दें इलेक्ट्रोमैग्नेट. पहले से ही उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट है, इलेक्ट्रिसिटी ऑलरेडी है, ठीक है. तो इलेक्ट्रोमैग्नेट इन प्लेस ऑफ परमानेंट मैग्नेट, नेट मैग्नेट, ये बिल्कुल वैसे ही है. एक तो आप सिंपल सी पेंसिल खरीदते हैं और एक पेंसिल होती है जिसमें पीछे इरेजर भी लगी हुई होती है, ठीक है. थर्ड पॉइंट आप क्या करना चाहेंगे, यूज ऑफ सॉफ्ट आयरन कोर विद इंसुलेटेड इंसुलेटेड वायर कॉल्ड आर्मेचर. अब यहाँ पे एक और टर्म आ गई, आर्मेचर. आर्मेचर क्या करती है, इट इनहेंस द पावर ऑफ मोटर, ठीक है. जो मोटर है उसका पावर जो है इन्हेंस कर देता है. ये मैंने थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया, पूरा काम ही बता दिया आर्मेचर का, ठीक है. आपसे डायरेक्टली इतना ही लिखने से काम चल जाएगा, यूज ऑफ सॉफ्ट आयरन कोर, दैट्स इट, ठीक है. तो ये था बच्चों आप लोगों का मेरी तरफ से 5 मार्कर का आंसर. इसमें 1-1 मार्कर भी बन सकते हैं तो भी आप रेडी है. अगर पूरा 5 मार्कर में भी आप इतना लिखेंगे तो वेल एंड गुड. आप यूज़ भी बता सकते हैं, इट इज़ यूज इन वॉशिंग मशीन पैंस, रेफ्रिजरेटर एक्सेट्रा, ठीक है. इससे बाहर इससे कुछ नहीं आने वाला है, क्योंकि जनरेटर कट चुका है तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाए. इसलिए मैंने इसी क्वेश्चन के लिए आपको इस क्वेश्चन को ब्रीफ करना ज़रूरी समझा है. एक बार आप इसका फिर से लेआउट देख लीजिए बच्चों. मैंने पहले इसका इलेक्ट्रिक मोटर बताया कि क्या मतलब होता है, प्रिंसिपल बताया है, ठीक है. इसके बाद मैंने इसकी कंस्ट्रक्शन बताई है, कंस्ट्रक्शन के बाद मैंने इसकी वर्किंग बताई हुई है, ठीक है. वर्किंग के बाद बच्चों मैंने इसका बीच बीच में कम्यूटेटर रिंग्स का, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कि कम्यूटेटर किसे कहते हैं, या फिर रिंग्स, स्प्लिट रिंग्स का क्या फंक्शन होता है, वो भी बताया है मैंने, ठीक है. और यहाँ पे मैंने किस तरीके से इसकी इम्प्रूवमेंट की जा सकती है वो भी बताया है, प्लस कौन कौन से डिवाइसेस में हम इसे इस्तेमाल करते हैं. इतना आप लिखते हैं तो एक परफेक्ट आपका आंसर बन जाता है. आपने जो भी पैराग्राफ दिए हैं वो भी अच्छे हैं, ठीक है. बस उनमें थोड़े बहुत मार्क्स कटने की गुंजाइश रहती है, एक या आधा, उससे ज़्यादा नहीं. आप चाहें तो इस पैटर्न को अडॉप्ट कर सकते हैं, ठीक है. और मेरी तरफ से तो बिल्कुल कीजिए, बहुत ही नीट एंड क्लीन आंसर जाएगा आपका. ओके बच्चों.